मैं हूं राजेश कुमार, इस वक्त पाटन में मौजूद हूं। और आप सभी जानते हैं कि जो है मचेल यात्रा जो अभी प्रारंभ होने वाली है, और ऐसे में प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है मचेल यात्रा की तैयारियों में लगा पड़ा है। और वहीं अगर हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, तो रोड जो है आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी जो है कुंडहेल तक जो है गाड़ियाँ चली, और इस वर्ष भी कुंडहेल तक ही चलनी है, क्योंकि उसके आगे रोड का कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी भी जो है चालू है, और उसके आगे जो अभी कम्प्लीट नहीं हुआ। तो फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम रोड की बात करें प्रेजेंट जो है, तो मसू से लगभग आधा किलोमीटर के आगे जब आप चलते हैं तो रोड जो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो धस चुका है। और ये रोड जो धसे हुआ लगभग अभी 15 से 20 दिन से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर प्रशासन द्वारा या डिपार्टमेंट द्वारा कोई काम जो है वो नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ये एरिया जो है मसू से लगभग आधा किलोमीटर के आगे पड़ता है, जहाँ पर रोड जो है वो धस चुका है, और कभी भी ये रोड जो है धसकर जो है कट सकता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है प्रशासन को और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को सतर्कता दिखाने की, और समय पर इस पर काम लगाकर इसको ठीक करने की, अन्यथा ये रोड कभी भी कट सकती है। और आने वाले समय में जब मचेल यात्रा चलेगी, और ऐसे में उसमें बाधा जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, अगर ये रोड उस समय पर ठीक ना हो पाया तो। ये आप देख सकते हैं लाइव विजुअल्स में किस तरह से रोड जो है धस चुका है, पानी जो है यहाँ पर लगातार लग रहा है, और जिसकी वजह से जो ज़मीन धस गई है, और ये रोड भी जो है कहीं ना कहीं धस कर नीचे आ चुका है। कंडीशन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट और प्रशासन द्वारा यहाँ पर काम जो है किसी प्रकार का नहीं किया गया है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है मिट्टी डालने का काम ज़रूर किया गया है। और आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं दूर दराज क्षेत्रों में कहीं अगर रोड में कोई खराबी आती है, रोड में कहीं धस जाती है, संबंधित विभाग जो है कहीं ना कहीं मिट्टी डालने का ही काम करता है, और वहीं इस रोड पर भी वही मिट्टी डालने का काम किया गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मिट्टी डाली गई है, जिस वजह से बारिश कभी भी होगी और बारिश से सारी की सारी मिट्टी फिर से निकल जाएगी, और फिर से कंडीशन रोड की जो है वही होने वाली है। मकसद ये की है कि अभी समय है, और इस रोड का जो काम है उसको सही समय से अगर काम लगाया जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर यह ऐसी लापरवाही दिखाई गई तो इस रोड की वजह से कहीं ना कहीं यात्रा में जो है वो फ़र्क देखने को मिल सकता है। आपको पिछले वर्ष की बात बता दें तो पिछले वर्ष भी कहीं ना कहीं कुंडहेल पुल की वजह से मचेल यात्रा में काफ़ी जो है कमी जो है देखने को मिली, काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिस वजह से काफ़ी श्रद्धालु जो है वो नहीं आ पाए, क्योंकि बार बार जो है ऐसी नेगेटिव खबरें जो है चल रही थी कि पुल जो है पुल नहीं है, रास्ता नहीं है, और जिस वजह से यात्रा में जो है कहीं ना कहीं गिरावट जो है देखने को मिले पिछले वर्ष। लेकिन इस वर्ष अभी काफ़ी समय है, ऑफिशियली जो है जुलाई की 25 से जो है ये जो है प्रारंभ होती है। इस वर्ष कब से होगी ऐसा हम बता नहीं सकते हैं, ये प्रशासन तय करेगा, किंतु अभी जो है कहीं ना कहीं समय है प्रशासन के पास, और ख़ासकर जो है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को यह हिदायत देनी चाहिए कि इस रोड को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ताकि इस वजह से यात्रा पर भी प्रभाव ना पड़े, और जो लोकल लोग यहाँ से सुबह शाम ऊपर नीचे चलते हैं उनको भी कहीं ना कहीं चलने में या अपना सफ़र तय करने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। या आप देख सकते हैं आखिर इस रोड का धस जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जितना भी पानी ऊपर से आ रहा है, इस पानी का पानी के लिए कोई निकास जो है नहीं बनाया गया है, ये सारा का सारा पानी जो ऊपर से आता है वो इस रोड में लग रहा है, और जिसकी वजह से ये रोड जो है दिन ब दिन धसती जा रही है। अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर काम किया जाए और इस पानी का निकासी का कोई बंदोबस्त किया जाए, कलवर्ट लगाया जाए, जिस वजह से पानी जो है अपना रास्ता पकड़ेगा और रोड को और धंसने से रोका जा सकता है। ये देख सकते हैं किस तरह से एक गाड़ी जो अभी जा रही है, लेकिन कितना रिस्क लेके यहाँ से जो है चलना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ जो है गाड़ी कहीं ना कहीं टेढ़ी हो जाती है। कारण ये की है कि रोड धस रहा है और डिपार्टमेंट सो रहा है। डिपार्टमेंट को चाहिए कि अपने रोडों को दुरुस्त रखे, क्योंकि जो जनता है वो टैक्स ही इसी चीज़ का दे रही है ताकि उनको रोड फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, ना कि इसलिए कि उनको ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़े और ऐसे ख़राब हालत वाली रोडों पे चलना पड़े। फिलहाल हम इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि इस रोड पर शीघ्र काम किया जाए,
इस रोड पर काम लगाया जाए और इसको ठीक किया जाए ताकि आने वाले समय में यात्रा पर कोई प्रभाव ना पड़े और लोकल लोग जो आजकल जो यहाँ से चलते हैं उनको भी जो है आसानी हो, उनको भी किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए आप जम्मू लद्दाख विजन के साथ बने रहें, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।